बैकलॉग क्रिएट हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, आपका जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, हो सकता है कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ भी यार, वो तो किसी के साथ भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, आई एम विद यू, बट आपको बैकलॉग कंप्लीट करके ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आएंगे कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, अगर आपकी पिछले चैप्टर की 4 क्लासेस भी छूटी हुई है तब भी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। फॉरगेट अबाउट इट कि आपका हेलोल्केन पूरा छूटा हुआ है, जीओसी पूरा छूटा हुआ है, अल्कोहल फिनॉल पूरा छूटा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और मैं आपकी इस बात से इत्तफाक रखता हूँ, मैं आपको कुछ गलत नहीं कहूंगा, बट बैकलॉग क्रिएट देखिए काफी धीरे धीरे हुआ होगा, एक ही दिन में तो बैकलॉग क्रिएट हो नहीं जाता, ठीक है, उसको कंप्लीट भी धीरे धीरे करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बट ये मेरा स्टाइल नहीं है, है ना, क्या मान लीजिए उनका 6 क्लासेस का बैकलॉग है, वो क्या करते हैं एक ही दिन स्कूल से छुट्टी मारी, 6 की 6 क्लास देख ली, उनको लगता है बैकलॉग उनका खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ रॉन्ग वे टू लाइक कंप्लीट ए बैकलॉग, ठीक है, आप रोज की 1 क्लास लीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा क्लासेस मत लीजिए, 1 क्लास लीजिए, उसके नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, उसे रिवाइज करिए, उसकी डीपीपी सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्लास लीजिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो। हाँ टाइम पास करना चाहते हैं तो एक ही दिन में फिर कोई यूट्यूब से 1 शॉट वीडियो देख के आ जाओ यहाँ पे, तब भी कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। मान लीजिए आपका अभी बैकलॉग भी है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप मैंने बोला है बैकलॉग को धीरे धीरे कंप्लीट करिए, ऐसा मत करिएगा कि यार मतलब कि ना 3 दिन लिए, एक दिन में जीओसी रिवाइज कर लिया, एक दिन में हेलोल्केन हेलोरिन, एक दिन में अल्कोहल फिनॉल ईथर, ऑर्गेनिक करने का सही तरीका नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मेरे बच्चे, एक दिन एक लेक्चर लेंगे तो 7 दिन में 7 लेक्चर हो जाते हैं, लगभग 30 से 40 दिन में, अगर आपने जीओसी भी ना देख रखा हो, अगर आपने जीओसी भी ना देख रखा हो तो 40 दिन के अंदर आप यहां पे आ जाएंगे, यहां पे इस क्लास के पास आ जाएंगे सर, बट आप भी तो 40 दिन में बहुत आगे पहुंच जाओगे, बैकलॉग बहुत कम होगा, मैं एश्योरेंस देता हूं इस बात की, मैं एश्योरेंस देता हूं, एक दिन एक लेक्चर, लेक्चर देखिए, नोट्स रिवाइज करिए, डीपीपी लगाइए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़िए।